हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मणी चौधरी और जहाँ पे भी आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं गाउट डिन के बारे में, 47 के बारे में। गाउट का मतलब हाई यूरिक एसिड, यानी यूरिक एसिड का जोड़ों में जमा हो जाना। वैसे तो हमने गाउट के ऊपर एक पूरा सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। हमने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है यूट्यूब पे, जिसमें हमने जोड़ों की दिक्कत के बारे में बताया हुआ है और वहां पे हमने गाउट का वीडियो भी डाला हुआ है। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। बट पेशेंट्स की रिक्वेस्ट पे, व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे, ये स्पेशली ये ड्रॉप्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे आज की। इस ड्रॉप्स को आप कैसे यूज करें, किन किन प्रॉब्लम में यूज करें और कैसे यूज करें, कहां से इसे खरीद सकते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेडिसिन का नाम बताएंगे जी, होम्योपैथिक मेडिसिन है, गाउटिडिन है, डॉक्टर एडवाइज REPL है। गाउटिडिन, गाउट इस पे लिखा हुआ है, इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। गाउट यानी कि गठिया, एक तरह का जिसमें हाई यूरिक एसिड बॉडी में जमा हो जाता है, स्पेशली छोटे जोड़ों में, आपके स्मॉल में। देखिए इस तरीके का ये मेडिसिन है। तो स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमने नाम के बारे में डिस्कस करा, गाउटिडिन इसका नाम है। फिर हम बात करने वाले हैं इसके इंडिकेशन की, कि ये किस किस प्रॉब्लम में ये मेडिसिन यूज होती है। देखिए वैसे तो अगर आप इस मेडिसिन को खरीदने से पहले अगर आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक करें, और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेडिसिन के लिंक मिल जाते हैं, वहां से ये मेडिसिन आप खरीद के अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपकी जोड़ों में दिक्कत होती है, यानी ज्वाइंट की प्रॉब्लम, पहले हम इसके इंडिकेशन की बात कर लेते हैं। यूरिक एसिड क्रिस्टल, मेन जो बात है वो है यूरिक एसिड, यानी यूरिक एसिड का जमा हो जाना, ज्यादा हो जाना जोड़ों में, जो कि जॉइंट्स में है, और जॉइंट स्टिफनेस यानी जोड़ों में एक तरह की अकड़न होना, स्टिफनेस होना, सूजन होना, तो उनमें ये मेडिसिन दी जाती है। यहाँ पे डिटेल इंडिकेशन की हम फिर बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसके साथ साथ जोड़ों में दर्द होना, यानी कि आर्थ्रेलजिया, आर्थराइटिस, गाउट, जॉइंट स्वेलिंग, जोड़ों में सूजन, तो इन इन प्रॉब्लम में ये मेडिसिन यूज होती है, ये मेडिसिन की इंडिकेशन है। अब फिर हम बात करते हैं इंडिविजुअल मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन कॉम्बिनेशन की, कि इसके अंदर देखिए इस तरीके का ये लिक्विड है, इसके अंदर वो कौन कौन सी मेडिसिन मिली हुई है और हर एक दवा का क्या काम है। कई बार क्या होता है कि आपके सिम्टम जो लक्षण जो है होम्योपैथिक दवा से मैच कर जाते हैं। अगर ऐसा केस है तो कोशिश करें आप एक बार में एक ही मेडिसिन यूज करें। कई बार क्या होता है पेशेंट में कई सिम्टम्स होते हैं और एक दवा से कम्प्लीटली वो मैच नहीं होते हैं, तो फिर दो तीन मेडिसिन के कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे इसमें काफी 5-6 मेडिसिन के लगभग कॉम्बिनेशन है, तो वो दवाइयां मिली हुई हैं, तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो हम एक एक करके बात करेंगे, इनमें से अगर किसी भी दवा से आपके लक्षण मिले तो आप इंडिविजुअली सिर्फ वो एक दवा अलग से खरीद सकते हैं, या फिर आप ये पूरा कॉम्बो ये ले सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी मेडिसिन हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें एकोनाइट मिली हुई है। देखिए एकोनाइट एक्यूट पेन में बहुत अच्छा काम करती है, किसी भी तरीके का गाउट है, रूमेटिक पेन है, एकोनाइट बहुत अच्छी मेडिसिन है, हम अलग से भी देते हैं, जो कि इसमें मिली हुई है। उसके बाद आती है इसमें पल्सेटिला होम्योपैथिक ऐसी मेडिसिन है जो शियाटिका में, शियाटिक नर्व पेन में बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद रस्टॉक्स है, आपने देखा होगा रस्टॉक्स हम बहुत फ्रीक्वेंटली देते हैं होम्योपैथ में, आपने देखा होगा अगर रस्टॉक्स बहुत प्रॉब्लम में काम करती है, सर्वाइकल में भी, बैकएक में भी, काफी सारी प्रॉब्लम है, गाउट में भी, जोड़ों में दर्द के लिए रस्टॉक्स एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, क्योंकि रस्टॉक्स आपको स्टिफनेस अकड़न में बहुत अच्छा काम करती है। तो इस तरीके से रस्टॉक्स भी इसमें मिली हुई है, जो कि आप यूज कर सकते हैं। रस्टॉक्स का मेन है कि पैरालिसिस, उसको लगता है कि पैरालिसिस हो गया है, कोई सेंसेशन नहीं होती है इस तरीके से, और जैसे मान लो मोच लग जाना, तो इस तरीके के स्ट्रेन में रस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। कॉल्चिकम आती है, कॉल्चिकम अगेन रूमेटिक एंड आर्थराइटिस में बहुत अच्छा काम करती है। कॉल्चिकम में क्या होता है कि आपका हॉट स्वेलिंग होता है ऑफ द जॉइंट, यानी अगर आप जोड़ों को ऐसे टच महसूस करते हैं तो आपको गर्म गर्म सा लगता है, पेन के साथ साथ वहां पर गर्मी भी लगती है, तो इसमें कॉल्चिकम बहुत अच्छा काम करती है। अर्टिका यूरेंस है, अर्टिका यूरेंस आपको जैसे कि मान लो रूमेटिज्म के साथ साथ यहाँ पे जो है, इसमें ये भी देखा जाता है कि काफी सारे रूमेटिज्म के केसेस हैं, जोड़ों में दिक्कतें हैं, तो इस तरीके से अर्टिका यूरेंस भी आप यूज कर सकते हैं। मेन जो अर्टिका यूरेंस का सिम्टम है रूमेटिक के साथ साथ यूरिक एसिड डायथिसिस, यानी यूरिक एसिड का जमा हो जाना, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। लीडम पाल इसमें मिली हुई है, लीडम पाल का भी सेम रहता है कि लीडम पाल में जोड़ों में दर्द होना, आर्थराइटिस, आर्थ्रेलजिया, साथ ही साथ जोड़ गर्म रहना, यानी कि होट वहां पे हीट होती है जोड़ों में, तो वो भी इसमें देखी जाती है सेम लीडम पाल में, जैसा कि हमने बात करी कॉल्चिकम में। उसके बाद मेडिसिन है इसमें कॉलोफाइलम, कॉलोफाइलम में भी सेम है, जोड़ों में दर्द है, रूमेटिक है, गाउट है, साथ ही साथ इसमें ये देखा जाता है कि क्रैकिंग साउंड, बहुत से व्यूअर्स हैं बार बार जैसे हमारे लाइव सेशंस होते हैं उनमें पूछते रहते हैं कि हमें जोड़ों में कट कट की आवाज आती है, जिसको हम क्रैकिंग साउंड कहते हैं, तो इसमें कॉलोफाइलम बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर सिर्फ एक दिक्कत है तो आप कॉलोफाइलम ले लें, वरना ये पूरी दिक्कतें हैं तो आप ये पूरा मेडिसिन का ड्रॉप्स भी आप खरीद के यूज कर सकते हैं।
उसके बाद इसमें एक्टिया स्पाइक आटा है। एक्टिया स्पाइक आटा छोटे जोड़ों में बहुत अच्छा काम करता है। जैसे मान लो अगर हम हाथ के जोड़ों की बात करें, बड़े जोड़ होते हैं जैसे घुटना हो गया, नी जॉइंट हो गया, शोल्डर जॉइंट हो गया, छोटे जॉइंट जैसे जो मान लो हमारे हाथ के जॉइंट है, पैरों के जॉइंट है, और आपने देखा होगा गाउट यानी कि यूरिक एसिड यूजली आपके पैरों के जोड़ों में देखा जाता है, उंगलियों के अंगूठे के जोड़ों में देखा जाता है, यानी छोटे जोड़ों में देखा जाता है। तो एक्टिया छोटे जोड़ों में अगर दिक्कत है, यूरिक एसिड जमा हुआ है, छोटे जोड़ों में अगर दर्द है, सूजन है, गाउट, ये इसमें बहुत अच्छा काम करती है, अलग से नहीं या फिर ऑलरेडी इसमें मिली हुई है। तो ये मेडिसिन कॉम्बिनेशन है जो इसमें मिले हुए हैं, तो इस तरीके से आप ये यूज कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं मेडिसिन डोजेस की, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। डोजेस यानी कि खुराक, दवा आपको लेनी कैसे है। देखिए आप देखिएगा, ये ड्रॉप है, ड्रॉप फॉर्म में है, यानी कि ये लिक्विड है। कोई भी लिक्विड मेडिसिन होती है होम्योपैथी में, अगर आपको कम दिक्कत है तो थोड़े से पानी में आप इसकी 10 से 15 ड्रॉप्स ले सकते हैं। दिन में 2 बार लें, 3 बार लें, दिक्कत के हिसाब से। कम दिक्कत है 2 बार, ज्यादा है तो 4 बार आप ले सकते हैं। दवा हमेशा खाने से पहले लें, खाने से आधा घंटा पहले ले सकते हैं। नहीं ले पाते हैं तो खाने के आधा घंटा बाद भी आप मेडिसिन ले सकते हैं। और इस तरीके से इस मेडिसिन को आपको 2-4 हफ्ते कंटिन्यू करना होता है, और थोड़ा सा लंबा इसको लेके मेडिसिन को एक बार दोबारा से आप अपना यूरिक एसिड का टेस्ट भी करा सकते हैं, देखने के लिए कि आपका यूरिक एसिड में क्या क्या चेंजेस हैं। वैसे सिम्टोमेटिकली यानी कि लक्षण के हिसाब से आपको पता लग जाता है कि आपको इम्प्रूवमेंट हो रही है, बट फिर भी आप कंफर्मेशन के लिए अपना टेस्ट भी एक बार रिपीट करा सकते हैं। तो इस तरीके से इसका डोजेस रहता है जो कि चेंज हो सकता है। फिर हम बात करते हैं मेडिसिन के प्राइस की, एमआरपी की, और मेडिसिन आप कहाँ से ले सकते हैं। देखिए इस पे लिखा हुआ है 154 रुपए की ये मेडिसिन है। और अगर आप एक दो मेडिसिन इकट्ठी लेते हैं, ऑनलाइन परचेसिंग करते हैं, तो थोड़ा और बेटर और डिस्काउंट प्राइस पे ये मेडिसिन आपको मिल जाती है। ये मेडिसिन मिलती कहाँ से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेडिसिन का प्राइस है 154 रुपए, और मेडिसिन आप ऑनलाइन, हमने मेडिसिन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, वहां से आप ये मेडिसिन खरीद सकते हैं। ऑनलाइन खरीदें आप, अपने आसपास होम्योपैथिक फार्मेसी, होम्योपैथिक स्टोर से भी ये मेडिसिन आप खरीद सकते हैं। थोड़े लंबे टाइम तक यूज करें, दिक्कत होने पे मेडिसिन को बंद कर सकते हैं, आराम पड़ने पे धीरे धीरे और मेडिसिन यूज करके, जैसे ही आपको लगे अच्छा आराम है, धीरे धीरे करके आप बंद करें, धीरे धीरे स्टार्ट करें, धीरे धीरे बंद कर सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियोज आपकी मदद कर सकें। आप इन्हें लाइक करें, वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, अपडेटेड रहें। वीडियो के स्क्रीन पे भी हमने अलग अलग वीडियोस डाले हुए हैं, ज्यादा जानकारी के लिए आप उन पे भी क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।